हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन एक EBS वॉल्यूम क्रिएट करने वाले हैं और उस EBS वॉल्यूम को अटैच करने वाले हैं EC2 इंस्टेंस के अंदर। कैसे कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। EC2 डैशबोर्ड पे गए आप लोग एंड EC2 डैशबोर्ड पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, यहाँ पे जाता हूँ वॉल्यूम्स के अंदर एंड यहाँ पे आप क्रिएट वॉल्यूम पे क्रिएट कर सकते हैं। एंड जब आप क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग टाइप के यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पे, सात टाइप के आ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने छह बोला था और ये जो एक टाइप है ये रिसेंटली ऐड हुआ है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे किस टाइप के वॉल्यूम को कब यूज़ करना है। अभी के केस में मैं जो क्रिएट करता हूँ, मैं ये GP2 क्रिएट कर लेता हूँ, जनरल पर्पज़ है और इसकी साइज़ केवल डेमो पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, तो मैं कोई ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डेमो पर्पस के लिए बना रहा हूँ तो केवल और केवल 5 GB की मैं ये हार्ड ड्राइव क्रिएट कर रहा हूँ, ये एक EBS वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ, ओनली 5 GB। एंड इनक्रिप्ट दिस वॉल्यूम, आप इसको इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, बट ये सब अपन बाद में देखेंगे जब अपन KMS के बारे में देखेंगे। तो अपन जितने भी वॉल्यूम्स है किसी को भी इनक्रिप्ट नहीं करेंगे, बट जब मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा तब आप इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको KMS की वगैरह देनी है, वो अपन बाद में देखेंगे, बट मैं एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ। सिंपल सा क्रिएट वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम। अभी देखो ये वॉल्यूम कहाँ क्रिएट हुआ है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। AP South 1A के अंदर ये क्रिएट हुआ है। वापस एक और वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, सेम वही डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ, इसको भी मैं 5 GB का बना रहा हूँ और ये जो अवेलेबिलिटी जोन है ये मैं यहाँ पे देता हूँ AP South 1B एंड क्रिएट वॉल्यूम। इतना हुआ, चलिए मैं नाम दे देता हूँ, दोनों के मैं नाम दे देता हूँ अवेलेबिलिटी जोन के हिसाब से। मैंने दो वॉल्यूम क्रिएट कर लिए। अब आपको डैशबोर्ड पे जाना है एंड डैशबोर्ड पे जाके मैं इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ एंड लॉन्च इंस्टेंस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। एक इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं अपन लोग। मैं यहाँ पे उबंटू की इमेज ले रहा हूँ, आप लोग कोई सी भी ले सकते हैं। नाम दे देता हूँ एंड ये जो इंस्टेंस है मैं इसको क्रिएट करने वाला हूँ AP South 1A के अंदर। तो अब आप ये कहाँ डिफाइन करोगे कि कहाँ पे क्रिएट करना है, तो नेटवर्क सेटिंग के अंदर आप जाओ, एडिट के अंदर जाओ एंड यहाँ पे आप दिख रहा है आपको सबनेट, आप यहाँ पे सबनेट सेलेक्ट कर लीजिए जो आपका AP South 1A का है। तो यहाँ पे ये मैंने AP South 1A का सेलेक्ट कर लिया, तो अब ये जो इंस्टेंस है वही वहीं क्रिएट होगा। की पेयर मैंने YouTube की दे दी है, नेटवर्क सेटिंग में ऐसे कैसे छोड़ देता हूँ। अब उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए ऐड न्यू वॉल्यूम, आप वॉल्यूम क्रिएट करके अटैच करवा सकते हो। तो देखो एक EBS वॉल्यूम जो ये क्रिएट करेगा ना, ये आपका क्रिएट करेगा रूट वॉल्यूम जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, जो विंडोज के केस में तो सी ड्राइव होता है और लिनक्स के केस में लिनक्स के केस में स्लैश होता है। ऐड न्यू वॉल्यूम पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इसके हेल्प से भी आप एक वॉल्यूम और क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इसको 6 GB का कर लेता हूँ केवल डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि 5-5 GB के तो अपन ने EBS के हेल्प से क्रिएट किए थे, एक 8 GB का ये क्रिएट हो जाएगा जो आपका रूट वॉल्यूम रहेगा, और ये जो 6 GB का जो क्रिएट होगा ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपने वापस अटैच किया है। एंड इतना सब कुछ करने के बाद में मैं लॉन्च इंस्टेंस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने ये इंस्टेंस क्रिएट किया तो ये इंस्टेंस को अपन इधर मॉनिटर करते रहेंगे। अपन यहाँ पे चलते हैं EBS में और आप वॉल्यूम्स के अंदर देखो, अभी दो वॉल्यूम और ऐड हो गए होंगे। इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो आप अभी आप देखिए ये जो 6 GB का जो है ये एक नया वॉल्यूम क्रिएट हुआ है जो अपन ने वहाँ पे अभी क्रिएट किया था, और 8 GB का आपका जो रूट वॉल्यूम जो है ये वो है। और देखिए जो दो वॉल्यूम जो आपने यहाँ पे जो क्रिएट किए थे या इंस्टेंस को अटैच करते टाइम पे क्रिएट किए थे, आप उनकी स्टेट देखिए, वॉल्यूम स्टेट इन यूज़, ये जो वॉल्यूम्स हैं ये ऑलरेडी यूज में है। इसको यूज़ कौन कर रहा है, इसको यूज़ कर रहा है ये इंस्टेंस, इस इंस्टेंस को ये अटैच है। यूँ मान लीजिए पेन ड्राइव है और वो आपको मशीन को अटैच हो चुकी है। अब क्या करते हैं, अपन इस इंस्टेंस के अंदर चलते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं, इसके अंदर चल के देखते हैं कि क्या यहाँ पे ये दोनों वॉल्यूम्स मुझे दिखते हैं क्या। कनेक्ट EC2 डायरेक्ट कनेक्ट के, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट के हेल्प से मैं इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी अपन देखते हैं यहाँ पे अपने को वो दोनों के दोनों किधर दिखेंगे जिनकी साइज़ अपन ने 8 GB और 6 GB दी थी। एक सिंपल सी कमांड होती है LSBLK, इसको आप ऐसे पढ़ो LSBLK, कमांड तो ये होती है बट आप इसको ऐसे पढ़ो LSBLK। एल बोले, LS बोले तो लिस्ट, BLK बोले तो ब्लॉक।
ये क्या करेगा, जितने भी ब्लॉक स्टोरेज डिवाइस आपके मशीन को अटैच होते हैं ये उनकी लिस्ट करवाता है। ठीक है, तो मैं इस कमांड को चलाता हूँ एंड एंटर। जैसे ही मैंने एंटर मारा तो आप देखिए यहाँ पे XVDB, राइट, XVDB आप देखिए इसकी साइज़ कितनी है, इसकी साइज़ है 6 GB। और एक ये देखिए ये रूट वॉल्यूम, ये XVDA है, और ये जो है XVDA ये 8 GB का है। तो दो ब्लॉक स्टोरेज तो आपको दिख रहे हैं, इतना समझ में आ रहा है। अब बात आती है कि गौरव अभी ये जो तूने दो अटैच करवाए हैं ना, इन दोनों को भी इस इंस्टेंस को अटैच करवा, तो इसका आंसर है, चलो ट्राई करते हैं अटैच कर सकते हैं कि आप, वैसे तो कर नहीं पाएंगे बट ट्राई करते हैं अटैच करने का। जहाँ पे अपने को EBS की लिस्ट हो रही है अपन वहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे मैं गया और अभी आप देखिए यहाँ पे AP South 1A और AP South 1B, ये दो वॉल्यूम्स हैं, दोनों अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में, अपना इंस्टेंस है वो है AP South 1A के अंदर। तो सबसे पहले मैं AP South 1B वाले को अटैच करके, अटैच करने का ट्राई करते हैं अपने इंस्टेंस को। तो मैंने AP South 1B जो है इस वॉल्यूम को मैंने सेलेक्ट किया एंड एक्शन पे गया, एंड यहाँ पे आप देखिए अटैच वॉल्यूम दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इंस्टेंस आएंगे, यहाँ पे आपको एक भी इंस्टेंस नहीं दिख रहा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न सिंपल सा यह है कि जिस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ये वॉल्यूम है उस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक भी इंस्टेंस रनिंग नहीं है, तो आप अटैच नहीं कर पाओगे। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में थ्योरेटिकली। अभी आप वापस देखिए, अब अपन दूसरे वॉल्यूम टाइप को सिलेक्ट करते हैं AP South 1A, और इसके अंदर जाके अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ। और अभी आप देखिए यहाँ पे आपको आपके इंस्टेंस का नाम आ चुका है EBS वॉल डेमो। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करोगे, अटैच पे क्लिक किया, अभी आप देखिए ये भी इन यूज़ आ चुका है। अब जब ये इन यूज़ आया तो वापस मैं LSBL के कमांड यहाँ पे चलाता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे ये वॉल्यूम भी यहाँ पे अटैच हो चुका है, दिख रहा है आपको 5 GB का लास्ट में एक नया आया है जो ऊपर नहीं आ रहा था। ये सारा तो अभी के केस में EBS वॉल्यूम के केस में इतना ही है कि आपको अटैच कैसे करवाना है, सिंपल सा। डिटैच करवाना होगा तो यहाँ पे आप गए, 5 GB का डिटैच करवाना है या सपोज 6 GB का डिटैच करवाना है, एक्शन पे गए एंड यहाँ पे डिटैच वॉल्यूम पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप डिटैच वॉल्यूम पे क्लिक करोगे तो ये जो आपके 6 GB वाला जो वॉल्यूम है, ये इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी जो वॉल्यूम की जो स्टेट है वो अवेलेबल आ चुकी है। ठीक है, और वापस मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ LSBL के, तो आप देखिए यहाँ पे जो ये 6 GB का जो वॉल ब्लॉक स्टोरेज आ रहा था ये डिटैच हो चुका है, यहाँ पे ये नहीं आ रहा। ये सारा तो EBS से रिलेटेड हो चुका। अभी तो और बहुत सारी चीज़ बची है, बट अब एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा थोड़ा सा लिनक्स साइड की ये चीज़ जा रही है, बट यस बता दूंगा तो थोड़ा बेटर रहेगा, ये जो वॉल्यूम है इसको आप यूज़ कैसे करोगे। तो देखो अब इस वॉल्यूम के अंदर यूँ मान लीजिए आपको इसको जो है XVDF जो है इस वॉल्यूम के अंदर, इस 5 GB के वॉल्यूम के अंदर आपको कुछ तो डाटा जो है वो स्टोर करके रखना है, तो वो कैसे रखोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो वॉल्यूम है इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। ठीक है, MKFS.ext4 एक्सटेंशन से मैं इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको आपके वॉल्यूम का नेम देना है, अपना क्या है XVDF, राइट। लिनक्स के अंदर क्या होता है, जितने भी आपके डिवाइसेस होते हैं वो आपको /dev डायरेक्टरी के अंदर मिलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी लिनक्स की प्लेलिस्ट ज़रूर जाके विजिट करें, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बनाई थी मैंने। एनीवे /dev एंड इसके अंदर आपको आपके डिवाइस का नाम लिखना है, अपने डिवाइस का नाम क्या है XVDF, दिख रहा है आपको ये वाला, एंड हिट एंटर। ओके, ये जो चीज़ है मैं इसको, मेरे को एज ए रूट यूज़र चलाना था बट मैं नहीं चला पाया, तो उसको चलाते हैं। उसके लिए मैं sudo prefix लगा देता हूँ इस कमांड के आगे। तो देखो दोस्तों मैं इस कमांड को है ना ऐसे भी चला सकता हूँ, बट आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूँ कि आपको ये एक ऐसी कमांड जिसके आगे आप sudo लगाना भूल गए तो आप उसको कैसे कर सकते हो। या तो मैं ऐसे sudo लगा सकता हूँ जैसे मैंने इस कमांड के अंदर लगाया है, या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हैं sudo एंड 2 टाइम्स एक्सक्लेमेटरी साइन। एनीवे,
ये जो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इसके लिए मैं शायद हो सकता है यूट्यूब शॉर्ट्स लेके आऊँ, बट यस। तो अभी आप देखिए, ये हो गया राइट। इसने क्या किया, उसी कमांड को चला दी विथ सूडो परमिशन, आपकी जो लास्ट कमांड थी उसको। इतना हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, mkdir/test, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है। अगेन वही, मैं सूडो देना भूल गया, सूडो सिखा दूंगा मैं आपको ऐसे बार बार खुद गलती करके। चलिए अभी देखिए, सूडो mkdir/test जो है ये चल गई है। एंड अभी cd, मैं पहले तो सूडो यूज़र से लॉगिन हो जाता हूँ। cd/ls, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे टेस्ट करके डायरेक्टरी बन गई होगी, ये रही। जब ये डायरेक्टरी बनी है यहाँ पे, अब क्या करना है आपको, माउंट करवाना है आपके उस वॉल्यूम को यहाँ पे। कैसे माउंट कराओगे, माउंट अब आपको देना है आपके डिवाइस का पाथ, /dev/xvdf, और इसको कहाँ माउंट करवा रहे हो, टेस्ट, एंटर। तो अभी ये माउंट हो चुका। अब आप पूछोगे मुझे कैसे पता चलेगा, तो एक कमांड है माउंट पॉइंट स्लैश टेस्ट। जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे तो ये बताएगा स्लैश टेस्ट इज ए माउंट पॉइंट। अब होगा क्या, इस टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर आप जो भी लिखोगे ये सारा का सारा उस ebs वॉल्यूम के अंदर जाएगा। तो मैं कुछ फाइल्स बना देता हूँ स्लैश टेस्ट के अंदर जाके। ये कुछ फाइल्स जो है मैंने बना दी है, और कुछ फाइल ऐसे बना देता हूँ जस्ट लाइक डेमो। तो अभी आप देखिए, मैंने स्लैश टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर मैंने ये सारे के सारे फाइल्स बना दिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो वॉल्यूम जो मैंने माउंट करवाया था, इसको अनमाउंट कर देता हूँ, या फिर इस वॉल्यूम को डिटैच कर देता हूँ ईबीएस के हेल्प से। पहले तो मैं इसको अनमाउंट कर देता हूँ। तो अनमाउंट करने की कमांड क्या है, यू माउंट स्लैश आपका जो माउंट पॉइंट है उसको, ठीक है। तो मैं पहले इस डायरेक्टरी से बाहर जाता हूँ, एंड यू माउंट स्लैश टेस्ट। अभी आप देखिए cd/test के अंदर आपकी वो जो है यहाँ पे अब नहीं दिख रही है, क्योंकि आपने उसको अनमाउंट करवा लिया है। यूँ मान लीजिए जो यूएसबी थी आपने उसको बाहर निकाल दिया, या फिर सबसे अच्छी चीज़ बाहर निकाल दिया, ये एग्जांपल मत लेना। यूएसबी जब आप, कोई भी यूएसबी आपके अटैच रहती है और आप उस पर राइट क्लिक करके इजेक्ट पे क्लिक करते हैं ना, ये वो चीज़ है, बट यूएसबी अभी भी अटैच है राइट। अब देखो, अब मैं उस यूएसबी को बाहर निकालनी है आपको आपके मशीन से, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, ईबीएस वॉल्यूम पे जाओ यहाँ पे, एंड ये जो 5 GB का जो यूज में आ रहा था राइट, जो अवेलेबल है इन यूज आ रहा है, इसको अपन डिटैच करवा देते हैं। डिटैच डिटैच करने से पहले मैं एक बार वापस आपको lsbl के कमांड दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो अटैच है, एंड अब अपन इसको डिटैच करवा देते हैं। उप्स, ये रूट वॉल्यूम था जो आप डिटैच नहीं करवा सकते हो, अपने को डिटैच करवाना था ये ap south 1, ठीक है। एंड डिटैच वॉल्यूम, ओ डिलीट नहीं, डिटैच, हाँ दिस वन जो अपने को डिटैच करवाना है, ap south 1 evolve, एंड डिटैच वॉल्यूम एंड डिटैच। अभी आप देखिए, आपने उस वॉल्यूम को डिटैच करवा दिया है। जैसे ही अभी आप यहाँ पे थोड़ी देर बाद lsbl के कमांड चलाओगे तो वो यहाँ से चला जाएगा। ये अभी तक डिटैच हो रहा है, और ये बोल रहा है कि अगर वॉल्यूम काम में नहीं आ रहा ना तो उसको डिलीट कर दो, जिससे क्या है आपका जो पैसा लगना है वो कम हो जाएगा। बोला था ना, ये बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, खुद बता देते हैं भाई पैसा लग जाएगा, बंद कर दे। तो मैं स्पेस को रिफ्रेश किया है, एंड मे बी कुछ ग्लिच हो। मैं इसको वापस डिटैच कर रहा हूँ, क्योंकि तो वो केवल रेंडरिंग होके रह गया। तो लाइक डिटैच वॉल्यूम एंड डिटैच, ओके फाइन, इस बार बहुत जल्दी हो गया। एंड यस, अभी आप देख सकते हैं अवेलेबल आ चुका है वॉल्यूम का स्टेट राइट। एंड यहाँ पे आप जाके जब lsbl के कमांड चलाओगे तो आपका जो वॉल्यूम जो अटैच था वो डिटैच हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा जो चीज़ था ये मैंने बताया है। अब एक चीज़ का रिप्लाई जो आप लोग मुझे करोगे, मैंने जब इसको माउंट करवाया था ना तो मैंने एक कमांड चलाई थी, ये वाली कमांड माउंट, ये वाली कमांड। बट होगा क्या, जब भी आप आपका इंस्टेंस को जब आप रीस्टार्ट करोगे, वो जो वॉल्यूम है वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे माउंट नहीं रहेगा। तो उसको माउंट कैसे करवाओगे आप लोग, जब भी मशीन स्टॉप होके स्टार्ट हो या रीस्टार्ट हो तो वॉल्यूम अपने आप माउंट हो जाना चाहिए एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे। ये चीज़ कैसे करोगे,
मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आप FS टैब के अंदर ये एंट्री कर सकते हो, बट क्या एंट्री करनी है ये आप मुझे बताओगे, ठीक है? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में क्या करेंगे, अपन इस इंस्टेंस को डिलीट करेंगे और एक नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, और उस इंस्टेंस को सेम अपन EBS वॉल्यूम अटैच करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे वो डाटा अवेलेबल रहता है या नहीं रहता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।